आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वीआईटी के सारे कैंपसेस में आप लोगों का फीस का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है और आप लोग 4 साल में जो बीटेक करने वाले हो उसकी पूरी टोटल कॉस्ट क्या आने वाली है। इसके अंदर आप लोगों को मैं हॉस्टल्स और मेसेस के भी आप लोगों को पूरे अच्छी तरह से फीस के डिटेल्स बताऊंगा और जो भी आप लोगों के रैंक्स के ऊपर बेस्ड आप लोगों की फीसेज हैं मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज लाइक कर देना। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीआईटी में आप लोगों को बहुत मैसिव फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, इसको समझना कोई इजी बात नहीं है। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ट्यूशन फीस से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो ट्यूशन फीस जो वीआईटी में होती है वो आप लोगों की 2 लाख पर ईयर से शुरू होके 5 लाख पर ईयर तक जाती है बेस्ड ऑन द वीआईटी ट्रिपल ई रैंक। तो अगर आप लोगों की रैंक जो है वो 1000 से नीचे आती है तो आप लोगों की मनचाही ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस या फिर मैकेनिकल या फिर ईसी ब्रांच जो कि वीआईटी में सबसे अच्छी ब्रांचेस मानी जाती हैं, जिसकी प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छी जा रही हैं, तो उसके अंदर आप लोगों की जो फीस होती है वो 2 लाख से शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने ये चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो रैंक है वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम में वो कम से कम आना चाहिए, यानी कि जो आप लोगों का वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम है वो 125 मार्क्स का होता है, उसके अंदर से आप लोगों को अराउंड 100 मार्क्स के आसपास लेके आने पड़ेंगे एक अच्छा रैंक लेके आने में और एक अच्छी जो आप लोगों की ट्यूशन फीस है उसको लेके आने में। वहां भी अगर आप लोगों के रैंक्स को देखा जाता है तो आप लोगों के रैंक वाइज फिर आगे जाके आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है। अगर आप लोगों को वीआईटी विल्लौर में एडमिशन चाहिए और आप लोगों का जो रैंक है वीआईटी ट्रिपल ई में आप लोगों का 15,000 के आसपास कहीं पे रैंक आ रहा है और आप लोगों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आप लोगों को कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांच नहीं मिल पाएगी, आप लोगों को कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी पर आप लोगों की जो फीस होगी वो अराउंड 4.5 लाख यहाँ पर 5 लाख वाली क्राइटेरिया में आप लोगों को एडमिशन मिलेगी और उसके भी बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि बहुत कम बार ही जो सीट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं, नहीं तो पहले 5 to 6 thousand में ही जो कंप्यूटर साइंस की सारी ब्रांचेज हैं वो फेल हो जाती हैं, सारे क्राइटेरिया फेल हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ। वहां पे अगर हम लोग वीआईटी चेन्नई भोपाल या फिर अमरावती की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप लोगों की काउंसलिंग हो रही होगी आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप लोग पहले वीआईटी विल्लौर को ही आप लोग अपना फर्स्ट चॉइस मानिए क्योंकि वीआईटी विल्लौर एक मेन कैंपस है तो आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा अच्छा एलुमनाई नेटवर्क देखने को मिलता है और काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। जो वीआईटी चेन्नई और अमरावती भी है और भोपाल इसके भी जो कैंपसेज है वो काफी ज्यादा न्यूली बिल्ड है तो वो भी उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है पर आप लोगों को अगर वीआईटी विल्लौर आना है तो आप लोगों को एक अच्छा रैंक लेके आना पड़ेगा और फीस का भी अगर आप लोग ध्यान रख रहे हो तो आप लोगों को अराउंड 3 to 4 thousand रैंक लेके आना पड़ेगा अगर आप लोगों को 3 या फिर 4 lakhs के आसपास में वीआईटी में एडमिशन चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो वीआईटी विल्लौर है इसके अंदर जो आप लोगों की हॉस्टल्स एंड मेसेज है इसमें आप लोगों का पर ईयर कितना खर्चा आ जाता है। तो आप लोगों को जो हॉस्टल्स एंड मेसेज है उसके अलग अलग खर्चे होते हैं, आप लोगों की अलग अलग फीसेज होती हैं। तो आप लोगों को पहले मैं मेसेज से शुरू करता हूँ। तो आप लोगों को वीआईटी में 3 types की मैसेज देखने को मिलती हैं। जो पहली मैस है उसका जो वो वेज मैस है, दूसरी नॉन वेज और तीसरी स्पेशल मैस है जिसके अंदर आप लोगों को वेज या फिर नॉन वेज में से चूज करना होता है। तो आप लोगों को जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मैस है इसके अंदर जो आप लोगों का फीस देखने को मिलती है वो 60,000 के आसपास देखने को मिलती है पर ईयर। और वहां भी अगर हम लोग स्पेशल मैस की तरफ देखते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा डिशेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्वीट्स और फ्रेश जूसेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो उसकी फीस अराउंड 75,000 के आसपास चली जाती है। वहां भी अगर हम लोग वीआईटी में हॉस्टल्स की फीसेस को देखते हैं तो आप लोगों की हॉस्टल्स काफी ज्यादा यहाँ पे ज्यादा हॉस्टल्स हैं। जो सबसे अच्छा हॉस्टल है वीआईटी में वो आप लोगों को क्यू और आर ब्लॉक बताया जाता है और जो क्यू और आर ब्लॉक है उसकी फीस अराउंड 1.2 lakhs यहाँ पर 1.3 lakhs तक चली जाती है पर ईयर। पर अगर आप लोगों को एक ब्लॉक चाहिए हॉस्टल जैसे के जे एल तो इसके अंदर आप लोगों की जो फीसेस होती हैं वो अराउंड आप लोगों को पर सेमेस्टर पर ईयर 60 to 70 thousand के आसपास देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग पूरे ईयर का एक एवरेज लेना चाहते हो कि वीआईटी में कितना हॉस्टल और मेस में खर्चा आता है
वो अराउंड 1.2 लाख से लेके 2 लाख के ऊपर तक भी चले जाता है। तो आप लोगों के ऊपर वो चॉइस होती है कि आप लोगों को कौन सा हॉस्टल और कौन सी मेस लेनी है। और आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ कि VIT में काफी ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार एडमिशन जो ट्यूशन फीस है और हॉस्टल फीस और मेस फीस को भरने के बाद भी आप लोगों के काफी ज्यादा मिसलेनियस खर्चे आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को कभी कभार कोई इंस्ट्रूमेंट्स लेने पड़ जाते हैं, यहाँ पर कोई VIT के एडिशनल खर्चे होते हैं, यहाँ पर VIT वाले कुछ आप लोगों से ट्रिप्स के लिए पैसे मांग लेते हैं, यहाँ पर कोई भी खर्चे है एडिशनल हम लोग मान लें। तो ऐसा कोई भी अभी तक मेरे को खर्चा नहीं आया। मैं VIT में अभी सेकेंड ईयर में हूँ, फोर्थ सेम मेरा चल रहा है और अभी तक मेरे को ऐसा कोई भी खर्चा नहीं आया। तो आप लोग ये चीज को ध्यान में रखो, जो आप लोगों को बाकी यूट्यूबर यहाँ पर वेबसाइट्स पे दिखाते हैं कि आप लोगों का अराउंड 50,000 पर ईयर खर्चा आ जाता है VIT के अंदर, मिसलेनियस जो आप लोगों के खर्चे होते हैं, तो वो नहीं आते। आप लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोग स्टूडेंट्स आ रहे हो VIT में, उनका जो मैंने एवरेज देखा है, जो मेरे फ्रेंड्स एवरेज स्पेंड करते हैं पर मंथ, वो अराउंड 5,000 होता है, मतलब 3 to 5,000 के बीच बीच में वो हर महीने खर्चते हैं। तो आप लोगों का अगर वो भी हम लोग खर्चा मानते हैं तो वो भी अराउंड सिर्फ और सिर्फ 60,000 के आसपास ही आता है पूरे सेमेस्टर पूरे ईयर का। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप लोग जो अपने शेड्यूलिंग है, जो आप लोगों के प्लान्स हैं, जो भी फीसेस को भरने के हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जो आप लोगों की फीस होती है वो आप लोगों की सारी एक साथ जाती है। इसके अंदर आप लोगों की कोई भी इंस्टॉलमेंट्स नहीं बनती, क्योंकि अभी तक मैंने 2 फीसेस जो VIT में है वो अभी तक भरी हुई है और इसके अंदर मेरे को कोई भी इंस्टॉलमेंट्स देखने को नहीं मिली। तो शायद आप लोगों को भी इंस्टॉलमेंट्स नहीं देखने को मिलने वाली, तो आप लोग इस चीज का भी ध्यान रख सकते हो। जो आप लोगों को VIT में, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है VIT में हॉस्टल और मेसेस की फीस काफी ज्यादा है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा थोड़ी बहुत ही आप लोगों को फीसेस थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेंगी, पर जो आप लोगों के वार्ड को फैसिलिटीज मिलती हैं यहाँ पे वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप लोग हॉस्टल्स को देखते हो तो वो काफी ज्यादा क्लीन रखे जाते हैं, कम से कम दिन में 3 बार तो कॉरिडोर्स को क्लीन किया जाता है। और जो आप लोगों के वॉशरूम्स भी होते हैं वो भी रोज 2 बार क्लीन किए जाते हैं। और अगर आप लोगों ने अपने वार्ड का जो है रूम क्लियर करवाना है, उसको क्लीन करवाना है, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को काफी अच्छा, आप लोगों को हेल्दी एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा VIT के अंदर। जैसे आप लोग फीस भर रहे हो उसके हिसाब से काफी अच्छा आप लोगों को यहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही हैं। जो आप लोगों की ट्यूशन फीसेस हैं वो भी काफी ज्यादा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा काफी ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि अगर आप लोग इनकी प्लेसमेंट्स देखते हो तो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट जो पिछले साल की हमें देखने को मिल रही है वो 8.5 लाख है, और जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 1.2 करोड़ के आसपास का गया है। और अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हों तो अगर आप लोग अपने सीनियर से पूछते हो तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस का है वो अराउंड 11 to 12 लाख के आसपास देखने को मिल जाता है। तो काफी आप लोगों को अच्छे पैकेजेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग जैसा पे कर रहे हो उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा अच्छी आप लोगों को VIT में देखने को मिल जाती है। ऐसी और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जाते जाते प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू गाइस।